हेलो गाइस। तो अभी का जो हमारा ये वीडियो है ये इस बुलेट के ऊपर है। बुलेट का ये स्टैंडर्ड मॉडल है, काफ़ी पुराना, जिसमें पॉइंट आता था। अगर आपको दिखाऊं बाइक क्लियरली, तो मेरे ख्याल से जो क्लासिक लॉन्च हुई थी, क्लासिक के भी पहले का ये मॉडल है जिसमें सीबी पॉइंट है। एंड ये बाइक का आज का काम जो है हमारा ये है, इसका पूरा वायरिंग हार्नेस है वो हम रिप्लेस करने वाले हैं। मैं आपको और थोड़ा दिखा देता हूँ क्लोजली। ये जो एरिया है यहाँ का, जहाँ से वायरिंग हार्नेस जाता है पूरा हेडलाइट की तरफ या फिर लॉक सेट की तरफ, तो वहाँ पे वायरिंग जॉइंट किया हुआ था और वहाँ से स्पार्किंग होके या फिर वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होके या फिर आई वुड से वायर्स कट हुए थे, जिसके कारण वायर में से धुआं आता था। और देन वी डिसाइडेड फ्रॉम फॉर सेफ्टी परस्पेक्टिव इट इज़ बेटर कि हम लोग ये पूरा वायरिंग हमने रिप्लेस करेंगे, बिकॉज कोई ना कोई वायर कहीं ना कहीं जाके अगर टच होता है इवेंचुअली, एंड जब बाइक अगर रन हो रही है तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी रिस्की थिंग। तो इसीलिए हम लोग ने ये सोच के कि इसका वायरिंग हार्नेस पूरा रिप्लेस हो जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज ड्यूरिंग द राइड अगर ये कुछ होता है, बिकॉज आप एक तो बाइक चला रहे हो एंड यू विल नॉट एबल टू फोकस एनीथिंग एनीवेयर, तो इस केस में फिर बहुत ही दिक्कत वाला काम या फिर थोड़ा रिस्की हो जाता है। एंड इसीलिए वायरिंग हार्नेस का रिप्लेस होगा। साथ ही साथ हम लोग इसका रेगुलेटर रेक्टिफायर सीबी पॉइंट और बाकी जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है इसमें वो भी हम लोग चेक करेंगे, उसकी कंडीशन भी चेक करेंगे। अगर उसमें भी कहीं अगर हमें लग रहा है कि शॉर्ट है, वायरिंग शॉर्ट है या फिर उसमें कुछ भी अगर मैकेनिकल फेलियर है, स्पेशली इन स्विचेस या फिर एनी वेयर इन द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, तो वो भी हम लोग उसको रिप्लेस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी आपको मैं थोड़ा सा क्लोजली दिखा देता हूँ। अगर हैंडल बार के यहाँ पे अगर आप देखोगे इस जगह पे, तो ये वायरिंग पूरा आई थिंक मेल्ट हो गया है, शॉर्ट होके गर्म होके, एंड प्रिसाइसली यही रीज़न था जिसके कारण गाड़ी में से टैंक के नीचे से धुआं आ रहा था। हमने बैटरी भी निकाल दी है, डिस्कनेक्ट कर दी है इसकी, और अभी इवन यहाँ पर अगर देखोगे आप बैटरी बॉक्स के पीछे के जो वायर्स है तो वो भी पूरे जल गए हैं। अभी ये अगर यहाँ के यहाँ आप देखोगे ये फ्यूज़ का वायर है, फ्यूज़ बॉक्स है यहाँ पे, ये सारे वायर जो है जो रेगुलेटर रेक्टिफायर ऊपर जो आपको दिख रहा है वहाँ पे जाते हैं, वो भी पूरे के पूरे मेल्ट हो चुके हैं। इट इज़ बेटर दैट वी आर रिप्लेसिंग कि हम लोग वायरिंग हर रेस थोड़ा रिप्लेस करेंगे। तो आइए काम शुरू। तो आइए काम शुरू करते हैं। सो यहाँ पे आप देखोगे तो हमने वायरिंग हार्नेस जो है पूरा बाइक पर से निकाल दिया है ऑलमोस्ट। अभी आपको मैं क्लियरली दिखाता हूँ कि वायरिंग हार्नेस का कैसा बाजा बजा है। पूरा खत्म हो गया है वायरिंग हार्नेस। सिमिलरली अगर यहाँ पे भी देखूं जहाँ पे इसका ये बाटला कॉइल बैठता है, वो वायरिंग भी पूरा जल ऑलमोस्ट जलने को ही आया हुआ है। इग्निशन कॉइल, बाकी यहाँ पे जो सीबी पॉइंट बैठता है वो सीबी पॉइंट का वायरिंग भी हम लोग चेक करेंगे टू बी ऑन सेफर साइड। इसका जो ये बाटला कॉइल जैसे मतलब इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इग्निशन कॉइल, तो उसका जो वायर है उसका सॉकेट भी हम लोग चेक करेंगे। तो
इतनी जगह ये वायरिंग जॉइंट किया हुआ है, ये प्रॉब्लम तो आना ही है। ये जब बाइक रिस्टोर की थी तभी उसका वायरिंग हार्नेस रिप्लेस करना चाहिए था। इसका भी रेगुलेटर रेक्टिफायर जो है वो भी निकाल रहे हैं हम लोग, उसका सॉकेट भी देखेंगे। ये रहा हमारा वायरिंग। सो अभी हम लोग ये वायरिंग हार्नेस लेके जाके इसके सॉकेट्स जो है उसको मैच करा के जो इसका कंपैटिबल वायरिंग हार्नेस है। हालांकि ओल्ड बुलेट का वायरिंग हार्नेस तो अवेलेबल है मार्केट में, बट उसमें भी अगर दो तीन अगर वेरियंट्स है या फिर दो तीन टाइप्स है तब इट इज़ बेटर कि हम लोग इसको लेके जाके मैच करा के नया वायरिंग हार्नेस लेके आए। हेलो गाइज, तो ये हमारा डे 3 है वर्किंग ऑन दिस बाइक। मैंने जब आपको बोला था कि इसका वायरिंग हार्नेस मिलेगा और हम लोग जब गए वायरिंग हार्नेस एक्चुअल में प्रोक्योर करने के लिए, तब हमें दिखा कि देर आर ऑलरेडी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरिंग हार्नेसेस अवेलेबल फॉर दिस पर्टिकुलर मॉडल, एंड वी वर स्लाइटली कंफ्यूज विच वन वी हैव टू सिलेक्ट द राइट वन टू इंस्टॉल इट ऑन दिस बाइक। एंड थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन था, देन हम लोग इसका वायरिंग हार्नेस भी लेके गए थे उसके पास, द गाय वॉज ऑल्सो कन्फ्यूज। फिर उसके बाद हमने दोनों वायरिंग हार्नेसेस का मतलब जो एक तो इसका निकाला हुआ था वो, और जो उस वेंडर के पास हमारे था वो वायरिंग हार्नेसेस हमने कंपेयर किए, एंड देन वी फाउंड द राइट वायरिंग हार्नेस ऑन डे 3। सो आज हम इसका वायरिंग हार्नेस जो है नया वाला जो हमने प्रोक्योर किया है, दैट वायरिंग हार्नेस वी आर गोइंग टू इंस्टॉल इट ऑन दिस बाइक। सो हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि ड्यूरिंग दी वर्कशॉप कि ये वायरिंग हार्नेस में या फिर इसमें से धुआं आया या फिर वायरिंग हार्नेस ये जला क्यों, व्हाट वाज द रूट कॉज ऑफ दिस थिंग व्हिच हैज हैपेंड। और जो हालांकि ये सीरियस भी हो सकता था अगर टाइम पे हमने बैटरी अगर उस दिन नहीं निकाली होती तो शायद से पूरी की पूरी बाइक भी जलने का चांस था उस केस में। तो वी वेर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या एग्जैक्टली रूट कॉज है ये वायरिंग जलने का, एंड वी वेर जस्ट आई विल जस्ट शो यू, वी वेर जस्ट चेकिंग द ओल्ड वायरिंग हार्नेस। सो ये हमारा वायरिंग हार्नेस है पुराना हुआ बाइक का हमने निकाला हुआ, इसमें मोस्ट ऑफ द कपलर्स जो है वो मेल्ट हो चुके हैं। तो देन हमने थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेट किया, तब हमें मालूम पड़ा कि इसका जो फ्यूज बॉक्स है इसको ओपन करके देखते हैं। तब जब फ्यूज बॉक्स हमने ये खोला, आपको दिखा रहा हूँ ये कंडीशन है, आप क्लोजली देखोगे यहाँ पे इससे छोड़ क्लोजली देखोगे इसमें फ्यूज बॉक्स के अंदर कोई गधा था जिसने फ्यूज निकाल के ये वायर्स दोनों डायरेक्ट करके रखे थे इसके अंदर। तो ये कितना जानलेवा हो सकता है आप ही सोचो, अगर ऐसे कोई काम करे तो मतलब इतनी इतनी बेवकूफ़ी क्यों करते हैं लोग, मुझे भी समझ में नहीं आता। खैर जो हो गया वो हो गया, बट वन हैज़ टू इंश्योर कि ये ऐसी गलती वर्कशॉप में नहीं होनी चाहिए। तो रूट कॉज तो मालूम पड़ा इसका कि क्यों हो गया है, आप लोगों ने भी देखा। तो थोड़ा सा ये रिस्की था फ्रॉम कस्टमर पर्सपेक्टिव या फिर फॉर एनीबॉडी हु इज राइडिंग अ टू व्हीलर और फोर व्हीलर और सिक्स व्हीलर और एनी व्हीकल,
ये फ्यूज़ को डायरेक्ट करना, फ्यूज़ को डायरेक्ट करना या फिर फ्यूज़ का मतलब जो कंपनी स्पेसिफिक रेटिंग रहता है इसको रेटिंग छोड़ के बट ज़्यादा रेटिंग वाला फ्यूज़ लगाना, वो भी क्यों लगाते हैं लोग, क्योंकि बार बार फ्यूज़ उड़ रहा है तो चलो एक काम करते हैं थोड़ा मोटा फ्यूज़ लगाते हैं, ये हालांकि इंडस्ट्री में या फिर सर्विस सेंटर्स में होता है एंड ये बिल्कुल भी अवॉइड कर लेना चाहिए। वन शुड नॉट टॉलरेट दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस इन द वर्कशॉप। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी होगी, जो भी गाड़ियों पे काम कर रहे हो या फिर आप कहीं कहीं भी गाड़ी वर्कशॉप में देते हो, तो आपको ये एज अ कंज्यूमर भी आपको ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। एंड एनीबडी एनी मैकेनिक और एनी सर्विस एनी वर्कशॉप पर्सन और एनी इलेक्ट्रिशियन ऑल्सो हैज टू कीप दिस इन माइंड, ये ऐसा हो सकता है। तो चलिए अभी नेक्स्ट प्रोसेस हमारा जो वायरिंग, हमें नया वायरिंग हार्नेस मिला है उसको हम लोग बाइक के ऊपर अभी इंस्टॉल करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो अभी यहाँ पे नया रेगुलेटर रेक्टिफायर लगने जा रहा है, स्विस कंपनी का आता है, वो अभी हम लोग लगा रहे हैं। सिमिलरली वायरिंग जो है पूरा वायरिंग इंस्टॉलेशन पूरा हो गया है, उसका प्रॉपरली केबल टाई मार के जैसे कंपनी से आता है जैसे वैसे रहता है वैसे किया है। सिमिलरली फ्यूज बॉक्स भी है, वो भी प्रॉपरली लगा दिया है और उसके अंदर फ्यूज है हमने वो देख लिया था, दोनों फ्यूज बॉक्स, एक मेन का मेन वायरिंग का फ्यूज बॉक्स आता है। हमारे शामू करके जो इलेक्ट्रिशियन है जो इस बाइक पे काम कर रहे हैं, शामू जी बताइए ये दो फ्यूज बॉक्स की क्यों दिए हुए हैं बाइक में, इधर भी है और इधर भी फ्यूज बॉक्स है। ये जो है ये बैटरी का कनेक्शन है, जो बैटरी को वायर जाता है ये वाला, बैटरी से डायरेक्ट कभी शॉर्ट सर्किट हुआ तो यहाँ का फ्यूज खराब हो जाएगा, तो कनेक्शन आउट हो जाएगा। उसके बाद ये जो है ये एम्पियर मीटर का है, जो मेन पावर जाता है एम्पियर मीटर को, वहाँ से अगर कुछ हुआ तो भी ये जाएगा, और इसके कारण ही वो चाबी बंद रहने के बावजूद भी ये वायरिंग शॉर्ट हो गई है, क्योंकि ये डायरेक्ट किया हुआ था इसके वजह से। तो आपने आई होप यू गॉट इट, बिकॉज ये फ्यूज़ निकाल के दो, एक फ्यूज़ बॉक्स था, दूसरा फ्यूज़ बॉक्स था ही नहीं, तो वायर डायरेक्ट किया हुआ था किसी महान महापुरुष ने, तो इसी के कारण ये हादसा, मतलब हादसा ही होता था, लेकिन टाइम पे हमें मालूम पड़ा और कुछ सेव द बाइक। तो आपको दिखा देता हूँ मैं अभी, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे फ्यूज शॉर्ट हो रहा था, तो थोड़ा और चेक करने के बाद हमें मालूम पड़ा कि इसका जो इग्निशन कॉइल जो है, मतलब जैसे ऑलरेडी जैसे बाटला कॉइल भी कहा जाता है, तो उसमें फॉल्ट है, उसके कारण वो फ्यूज़ जा रहा है घड़ी घड़ी। तो इधर ये पॉइंट प्लेट जो है, पॉइंट प्लेट कंडेंसर सीबी पॉइंट ये सब आ गया है अपना, तो वो भी साथ में हम लोग उसको भी रिप्लेस करने वाले हैं।
इस जगह पे वो बैठता है, आपने आपको तो मालूम, आपने कभी देखा रहेगा तो ये भी बदल, ये भी रिप्लेस हो जाएगा। और साथ ही में यहाँ पे जो बाटला कॉइल है जिसको, वो भी वो कॉइल भी अभी रिप्लेस हो जाएगा। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो नई कॉइल प्लेट, कंडेंसर, सीबी पॉइंट, ये सब बैठ गया है जगह पे। साथ ही में हमने इसका जो इग्निशन कॉइल है जिसे बाटला कॉइल भी बोलते हैं, वो भी हमने रिप्लेस कर दिया है। और अभी जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो फ्यूल टैंक का लगा के अभी हम लोग बाइक का किक यूज़ करके बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। एंड उसके बाद वी विल बी चेकिंग ईच एंड एवरी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। साथ ही में जो फ्यूज़ का इशू हो रहा था वो नहीं हो रहा है, वो भी हम लोग इंश्योर करेंगे। एंड उसके बाद द बाइक इज़ रेडी टू डिलीवर। तो अभी जो है हमारा बाइक स्टार्ट होने जा रहा है। क्या बात है, बाइक तो स्टार्ट हो गई अभी। तो ये अगर आप देखना चाहते हो कि सीबी पॉइंट कैसे काम करता है तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। इसका जो सेंटर का जो शाफ्ट है दैट इज़ स्लाइटली ऑबलोंग, तो वो ऑबलोंग होने के कारण जो पॉइंट है वो पॉइंट को पुश करते रहता है। पॉइंट इज स्प्रिंग लोडेड, तो पुश करने का काम करता है और स्प्रिंग की सहायता से वापस वो अपनी पोजिशन पर आ जाता है। मल्टीमीटर पे जो वोल्टेज आता है बैटरी चार्ज करने के लिए वो चेक करने वाले। तो एक्चुअली ये बाइक का काम होते होते काफ़ी टाइम लगा, बिकॉज वी वांटेड टू कम टू द रूट कॉज ऑफ दिस कि इसका फ्यूज क्यों जा रहा है एंड ये प्रॉब्लम जो है दोबारा नहीं होना है। ये वी हैव टू, वी एक्चुअली वांटेड टू इंश्योर दैट कि ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इसका इग्निशन कॉइल स्टेटर, इग्निशन कॉइल, बाद में सीबी पॉइंट, कंडेंसर, उसका प्लेट, ये भी सब हमने रिप्लेस कर दिया। साथ ही साथ वायरिंग भी किधर शॉर्ट नहीं हो रहा है ना एक बार वो भी चेक किया। फ्यूज़ भी एक बार जो फ्यूज़ भी शॉर्ट हो रहा था वो भी हमने ऑफिस क्रॉस चेक किया, वो प्रॉब्लम भी अभी पूरा सॉल्व हो गया है। तो अभी इसके बाद का प्रोसेस का आइडलिंग सेट करना है एंड देन वी आर गुड टू गो। फिर वी आर रेडी टू डिलीवर दिस बाइक बैक टू द कस्टमर। आई होप यू लाइक वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी कमेंट्स है तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू ऑन दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाय बाय।